इन्फो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी का स्वागत है। और हमारे पास में एक एलईडी है, इसके अंदर हम बैकलाइट डालेंगे। इसमें प्रॉब्लम है बैकलाइट की। अगर आप पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन जरूर करें और घंटी पे क्लिक जरूर करें। ये एलईडी टीवी का ये मॉडल है, ये पीछे का पैनल और ये है। उसको सेट को आपको खोल के इसकी बैकलाइट आपको चेंज कर लेनी है। मैंने इसकी बैकलाइट पहले निकाल दी है, बाज़ार से मैंने दूसरी लाई है और वो नई लाई है, वो इसमें इंस्टॉल करेंगे। एक बार सेट को आप आराम से खोलें और ज़्यादा तक्कर भी नहीं करें, ऐसा नहीं हो कि आप जल्दबाजी में कोई दूसरे कोई डैमेज नहीं हो, नहीं तो आपका पैनल ख़राब हो सकता है। इस बात का आप ज़रूर ज़रूर ध्यान रखें। आराम से ये पूरा का पूरा ये पैनल को आपको खोलना है। पीछे के जो स्क्रू है वो सब खोल देना है। यहाँ से आराम से पट्टी निकाल दीजिए, मैंने निकाल दी है। ये सेफ्टी लॉक लगे हुए है, ये लॉक को आपको आराम से खोल देना है, आराम से निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। एकदम आपको सेफ्टी से लेना है। ये फिल्म पट्टी को आपको निकाल देना है। ये रिफ्लेक्टर है, इसको निकाला। मैंने इसकी बैकलाइट निकाल दी थी पहले, जो इसकी जगह हम दूसरी लगाएंगे। ये बाज़ार से मैंने नई बैकलाइट लाई थी, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इसकी सप्लाई एक बार मेरे पास में जो ये बैकलाइट चेक करने का है वो मैंने खुद हाथ से बनाया। अगर आप कहोगे तो ये मैं आपको वीडियो अलग से बना दूंगा, ये कैसे बनाया हुआ है। ये इस पे ही मैं काम करता हूँ। ये देखो, एक स्क्रिप्ट के अंदर जो मेन है सेंट्रल वाली, उसमें 3 LED का 15 वोल्ट का ये 15 वोल्ट की है। इसके पहली बार हमारा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन जरूर करें और घंटी पे क्लिक जरूर करें। वे एक बार फिर चेकअप कर लेते हैं। ये सेट 10-10 का ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसमें से 2 कनेक्शन निकले हुए हैं। एक बार पूरा चेक कर लेते हैं क्या है। ये आपके सामने मीटर है, मीटर पे ध्यान देना आप कितने वोल्ट आ रहे हैं, आपको पता लग पाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक स्क्रिप्ट के अंदर 7 LED है और साथ में जो सेंट्रल वाली है उसमें से 3, यानी 10 का सेट कंप्लीट बनता है। फोर्टी नाइन का वोल्टेज शो कर रहा है ऐसे ही। साथ में जो सेंट्रल वाली है वो 3 दिन का सेट है, उसमें 15 ये हो गया। एक बार इसको लगा देते हैं। सेट मैंने पूरा ये कंप्लीट लगा दिया है। एक बार चालू करके देख लेते हैं कितना होता है क्या है। ये देखो सेट ऑन हो गया है। चार, 8, 9 और 10 10 LED का सेट है। एक बार इसके कनेक्शन कर देते हैं। नीचे से पहले मैंने कनेक्शन निकाल दिए थे ये बैकलाइट के, ताकि चेक करते हैं उसका रिटर्न बोर्ड के अंदर नहीं आए।
ये वापस तो लगा देते हैं, इसकी कनेक्शन एसी सप्लाई भी, ये पिन भी बाहर निकाल दी थी मैंने, इसको एक बार सही लगा के फिर चालू करेंगे। कंप्लीट चैट ऑन होगा तभी पता लगेगा क्या है। अगली बार एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें अगर बार बार अगर बैकलाइट उड़ रही है तो उसको वोल्टेज कैसे कम किया जाता है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल पाएगी। मेरे पास में इसका रिमोट नहीं है, इसके लिए ये की से यूज कर रहा हूँ, सप्लाई आ गई है। स्टैंड बाई रिलीज हो गई है, ये पूरा सेट ऑन हो गया है। जोरदार लगे। एक बार बंद करके वापस चालू कर लेते हैं। फिर बाद में पूरा सेट चालू है, स्टैंड बाई रिलीज की वापस। सप्लाई बंद कर दी एक बार। ये रिफ्लेक्टर है, इसको सही तरीके से लगा देना है आपको वापस। ये उल्टा और सीधा का ध्यान रखे, इसमें सब कट लगे हुए होते हैं, उल्टा नहीं लगे। तो साथ में ये स्क्रू है, छोटे छोटे बारीक स्क्रू लगे होते हैं, वो आपने खोला वैसे ही आपको वापस लगाना है। कई कई एलईडी के अंदर ऐसे स्क्रू आते नहीं है, सीधा नीचे पट्टी के अंदर ही आते हैं। बाजार में एलईडी ये स्पीड नहीं मिलती है तो भी प्रॉब्लम रहती है कई बार, तो उसकी जगह दूसरी भी लगे हम लगाते हैं। ये पूरा सेट है, एक बार कंप्लीट कर दिया है। इसके अंदर कोई अंदर रहे नहीं, इसके लिए एक बार स्वैप कर लेना आपको। नीचे एक ब्लैक धब्बा दिख रहा था, इसके लिए थोड़ा ऊपर उठा के उसको भी स्वैप कर लेता है। नहीं तो आपको स्क्रीन के ऊपर हल्के से धब्बे दिखेंगे अगर वैसा हुआ तो। ये कवर आपको वापस फिट कर लेना, इसको लगाते टाइम पूरा ध्यान रखना है, आपको कहीं भी ऊपर नीचे नहीं रहे, नहीं तो उसके ऊपर पैनल आएगा। अगर आप कहीं भी एक जगह से ऊपर रह गया तो फिर पैनल का जो ऊपर का प्रेसिंग आएगा तो उस टाइम पैनल टूट जाता है, इस बात का ध्यान रखें। एकदम कंप्लीट इसको सही सेटिंग करना है। सही तरीके से इसको फिट करना है, एकदम प्रेस करना है। पीछे की साइड में लॉक लगे हुए हैं, लॉकिंग पूरी की पूरी होनी करनी है आपको। आराम से ऐसे प्रेस करोगे तो वो हो जाएगा, कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं रहे। पैनल को आप आराम से इसके ऊपर लगा दें, आसपास में देखें वो सेफ्टी पट्टी लगी हुई उसके बीच में सेंटर में बराबर कंप्लीट है। सबसे पहले पैनल को आगे का भाग में टच करना है, फिर आपको दोनों सेंटर के बीच में रखना है, दोनों साइड भी देखना है। ऐसा नहीं हो कि एक साइड ऊपर रह जाएगा बाहर ज़्यादा आ जाएगा तो प्रेस हो जाएगा। जैसे आपको निकाला वैसे का वैसे आपको फिट करना है, पूरी सेफ्टी, बिल्कुल आप लापरवाही नहीं करें इस मामले में। ये वापस इसकी कोटिंग जो ये आपने निकाली थी, इसका कवर लगा देना है आपको। एक बार फिटिंग कर लेते हैं। ये एक समस्या आती है कि इसको ज़्यादा प्रेस करेंगे तो एक साइड में पैनल दब जाता है, इसके लिए आराम से इसको सेटिंग करें, ज़्यादा प्रेस नहीं करें। एक बार इसके स्क्रू ने सब लगा देते हैं,
कॉप का विशेष ध्यान रखना, पहले जब भी खोलो आप कॉप का विशेष ध्यान रखना, ये वापस पीछे के भागे जहाँ से अपने स्क्रू खोले थे वहीं पे आपको लगा देना है। बैकलाइट की ऑन करने के बाद में सप्लाई, ये आपके सामने है मीटर पे आप देखिए सप्लाई ओके है। एक बार इसके स्क्रू और ये सब लगा देते हैं, चेक कर ये ऑन हो गया है, ये देखो सेट ऑन है पूरा। एक बार कवर नहीं कंप्लीट, ये आपका पैनल पूरा कंप्लीट सेट हो गया है। पूरा सेट कंप्लीट है इस टाइम में। इतने टाइम आप हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन जरूर करें और घंटी पे क्लिक जरूर करें।